Dear student, hope you are well and doing great. Sadhu here to present the topic How to Choose the Research Topic. The video on this topic is shareable and easy to retain. So let's start. How to Choose the Research Topic The ability to develop a good research topic is an important skill. एंड इंस्ट्रक्टर मे असाइन यू अस्पेसिफिक टॉपिक बट मोस्ट ऑफर instructors require you to सेलेक्ट your own topic of interest सबसे पहले तो ये बेहतर है कि आप वो टॉपिक चूज करें जो आपको बेहतर लगे जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो अगर जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा वो आपके लिए बहुत जल्द बोर हो जाएगी बोरिंग लगेगी और आपको आप उससे बहुत जल्दी थक जाएंगे और इस वजह से बेहतर ये है कि आप अपने इंटरेस्ट वाला टॉपिक चूज करने वरना आपको इंस्ट्रक्टर तो कोई भी चूज करके दे देगा सिलेक्ट कर देगा आपको टॉपिक नेक्स्ट हमारे तो पास आ जाता है डिवेलपिंग आर रिसर्च टॉपिक की दिस एलमेंट इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट चूज समथिंग यू विल इंजॉय रिसर्चिंग मैं पहले बता दिया वो टॉपिक चूज करें जो आप इंजॉय करें रिसर्च के बाद स्कोप ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक टाइम पिक समिंग यू कैन सक्सेसफुली एड्रेस इन द गि टाइम कौन स्ट्रेंथ यू डेट मतलब ड्यू डेट जितने आपको टाइम मिला है विद इन द टाइम आप उसको कंप्लीट करें और आप अपने इंस्ट्रक्टर को सबमिट करवाएं देन क्लैरिटी विन नो डैट यू आर लुकी फॉर रिफाइन जस्ट आर नीडिड असाइनमेंट फॉलो योर रैशन फॉर योर प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर टॉपिक एंड पेपर रिक्वायरमेंट्स नाओ रिसर्च साइकिल आती थी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवेलप टॉपिक, लुकेट रिसोर्स दैन इंटर एंड एवेल इंफॉर्मेशन टॉपिक चूज़ गया उसके बाद आप उसको डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करें मटीरियल मटीरियल तो कलेक्ट हो जाता है लेकिन वर्ड टू इजैक्ट एंड वर्ड टू रिजैक्ट ये दो चीज़ें हैं इजैक्ट और रिजैक्ट कौन सा आपने अच्छे वाला मटेरियल आपने चूज रखना है और किसको आपने इलेक्ट एलाक, करना है और किसको आपने रिजेक्ट करना है और नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई इंफॉर्मेशन एंड साइट सोर्सेस अब हमारे पास आ जाता है कुरान एंड साइंस अगर हम कुरान एंड साइंस के हवाले से देखें तो कुरान भी हमें यही कहता है दी कुरान कॉल अपॉन मुस्लिम टू ऑब्जर्व अराउंड दैम एंड स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड सो दैट दे माइट अप्रिशिएट दजेस्टी ऑफ अल्लाह क्रिएशन Behold in the creation of heaven and earth, in the alternation of the night and day, in the sailing of the ships through the oceans for the benefit for mankind. अगर कुरान एंड साइंस के अगर हम नेचर की सिलेक्शन की बात करें रिसर्च नेचर रिसर्च के हवाले से बात करें तो ये बात यह है कि हमें अल्लाह ने भी यही कहा है कि मैंने दिन और रात के बदलने में निशानियाँ रखी हैं अक्ल वालों के लिए तो ये हमें कुरान कह रहा है तो सारी बात है कुरान जो कहता है वो सच होता है तो इसीलिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए नेक्स्ट है इन नोबल कुरान अल्लाह और इंक्रीज मी नॉलेज इट इज वसलम पीस बी एफर नेम हिम टू हैव वन सेट लर्निंगज आर क्वरिज पीस बी अ फॉर नेम एज द स्प्रिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस हज़र मोहम्मद वसल्लम ने भी एनालिसिस मुशाहिदा करने को और चीज़ों को अब्ज़र्व करने के लिए प्रेफ़र किया है और सलाह है उनको आगे हमारे पास आ जाता है टॉपिक है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग आयत थिंग द्रॉ इज द फॉलोइंग एंड ही हैज सब्जेक्टेड टू यू एज फॉर्म हिम ऑल दैट इज द्यूमन एंड दर्ड बी होल्ड इन दैट साइन इन फ्रॉम फ्राम हु रिफ्लेक्ट जो जानना चाहते हैं जानना चाहते हैं लाने निशानियाँ रखी हैं ज़मीन और आसमान में निशानियाँ मौजूद हैं अक्ल वालों के लिए वही बात आ गई or a scientific view, when deciding on a topic, there are a few things that you will need to do. brainstorm for ideas. choose a topic that will enable you to read and understand the literature. and ensure that the topic is manageable and that material is available. make a list of keywords. be flexible. define your topic as a focus research questions research and read more about your topic collect kare brainstorm ideas ko formulate a thesis statement sabse pehle aap collect brainstorm ideas hota hai आप collect कर लें ideas. फिर टॉपिक्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप उसको समझें उसको रिसर्च करें कि कीवर्ड्स बनाने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कि आप जब रिसर्च का टॉपिक लिखने लगें आपके कीवर्ड्स आपके सामने होने चाहिए आपको पता लग जाए ना आई डू दिस एंड आई डू दिस मतलब आपको क्या क्या करना है बी फ्लैक्सीबल इतना फ्लैक्सीबल होना चाहिए आपकी रिसर्च करो कि कोई गलती की गुंजाइश हो तो आप निकाल सकें डिफाइन योर टॉपिक एज अ फोकस रिसर्च क्वेश्चन फोकस रिसर्च क्वेश्चन के बारे में करें ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें स्टार्ट कर दें आपका फोकस आपके रिसर्च टॉपिक पे रहना चाहिए रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक फिर जो आपने कर लिया है रिसर्च आप उसको बार बार रीड करें बार बार रीड करने से आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं फॉर्मुलेट आर थीसिस स्टेटमेंट एंड जो लास्ट है वो फिर आपके है थीसिस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करें ब्रेन स्ट्रोम फर्स्ट हमारा जो स्टेप है ब्रेन स्ट्रोम फोर आइडियाज रूल ऑफ ब्रेन स्ट्रोमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डेफर जजमेंट एनकरेज वाइल्ड आइडियाज बिलक ऑन द आइडियाज ऑफ अदर्स टे फोकस ऑन दिस टॉपिक वट कन्सेन एट अ टाइम बी वी वल गो फॉर क्वान्टिटी इफ यू रिमेंबर दिज रूल्स आपकी थीसिस बहुत अच्छी बनेगी और रिसर्च भी आपका बहुत अच्छा होगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो पी और एम के स्टूडेंट्स हैं ये टॉपिक मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छा है और ये अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका रिसर्च टॉपिक में हेल्प मिलेगी इसे फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास आ जाता है री जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन Read a journal encyclopedia articles on the top two or three topics you are considering. Reading a broad summary enables you to get an overview of the topic and see how your ideas relate to broader, narrow and related issues. It also provides great resources for finding words commonly used to describe the topic. These keywords may be very useful to your later research. If you can't find an article on your topic, try using broader terms and ask for help from a librarian. आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिसर्च करें कि है क्या बैकग्राउंड टॉपिक का मतलब कहाँ से अराइज़ हुआ क्या मकसद है उसको पहले प्रोडक्ट चेक करें फिर नैरो चेक करें फिर उसके रिलेटेड टॉपिक चेक करें आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी इकट्ठी करेंगे उतनी आपको बेहतर होगी लेकिन इंफॉर्मेशन रिलेटिव होनी चाहिए अगर इ रिलेटिव होगी तो आप पजल हो जाएंगे और आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी रैलीवेंट चूज टॉपिक की पॉइंट्स की वर्ड्स चूज़ करें और मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोकस ऑन योर टॉपिक कीप इट मैनेजेबल टॉपिक विल बी वेरी डिफिकल्ट रिसर्च इफ़ इट इज टू बॉड और नैरो वन वे टू नैरो अ ब्रॉड टॉपिक सच एज द इन्वायरमेंट इज टू लिमिट योर टॉपिक इफ़ यू हैव डिफिकल्टीज और क्वेश्चन योर टॉपिक डिस्कस द टॉपिक विद योर इंस्ट्रक्चर और विद लाइब्रेरियन अब वाक है कि आप टॉपिक अपने फोकस किस पे करना है अपने टॉपिक पे अगर वो ज़्यादा ब्रॉड होगा तो उससे क्या होगा अब बोर्ड हो जाएंगे मतलब पढ़ने वाला ही बोर्ड हो जाएगा कि इसने क्या लिखा है इतना ज़्यादा लंबा इसने आई डोंट नो क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रही और अगर ज़्यादा छोटा होगा तो वो भी नहीं आपने इसको ऐसे रखना है कि ना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हो ना ये बहुत कम हो मैनेजेबल आपने रेंज में करना है कि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और वो अंडरस्टैंड करे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं अगर आपको मुश्किल हो गया आपके टॉपिक ढूंढने में तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से या लाइब्रेरियन से हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोकस इन योर ओन योर टॉपिक ये वही क्या कीप इट मैनेजेबल आप मैनेजेबल रखें इसको अभी मैंने आपको बताया तो इसमें वही था मेक अ लिस्ट ऑफ यूजफुल कीवर्ड्स अगर आप कीवर्ड्स बना लेंगे तो क्या होगा आप ट्रैक से हटेंगे नहीं कीप ट्रैक ऑफ़ दर्ड स्टैर आर यूज टू डिस्क्राइब योर टॉपिक लुक फॉर दर्ड स्टैर बेस्ट डिस्क्राइब योर टॉपिक दीज वर्ड्स विल बी फाउंड इन इन साइक्लोपीडिया आर्टिकल्स एंड अदर रीडिंग यू डू वाइल्ड योर टॉपिक फाइंड इन ए नीम्स ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स फॉर ईच की वर्ड यू फाइंड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर रिसर्च कैपिलिटीज ऑफ दीज वर्ड्स टू यूज द की वर्ड्स लेटर आइज योर सर्च इन कैनोलॉग्स एंड अदर ऑनलाइन डाटा बेस मतलब कीवर्ड्स बना लें आप कीवर्ड से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे जैसे कीवर्ड्स होंगे आप एक्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और एग्जैक्ट लिखेंगे अब हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप फाइव बी फ्लैक्सीबल इट इज़ कॉमन टू मॉडिफाई योर टॉपिक ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस कीप इन माइंड द असाइन लेंथ ऑफ द रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट बिब्लियोग्राफी और अदर रिसर्च असाइनमेंट मतलब आपके अंदर इतनी फ्लैक्सीबल वो हो होनी चाहिए आपके रिसर्च पेपर के अंदर क्या आप कहीं पर भी इसमें आप उसको चेंजिंग लाना चाहें तो ला सकते हैं नाउ सिक्स स्टेप डिफाइन योर टॉपिक एज अ फोकस रिसर्च क्वेश्चन यू विल ओफन बिगन विद द वर्ल्ड वेल हेप हफ मोर फोकस इंटरेस्ट इन एंड एक्सपेन्न अब हमेशा एक बात याद रखें अगर आप अपने रिसर्च टॉपिक में क्वेश्चन डालेंगे ना तो एक Uh, जो भी पर्सन रीडर होगा ना उसका एकदम अट्रैक्शन हो जाएगी कि ये क्वेश्चन किया हाउ वाई वट कैसा हो सकता है कैसे हुआ क्यों हुआ ऐसे अगर वो तो आपकी अट्रैक्शन जो है ना रीडर अट्रैक्शन गेन करता है क्वेश्चंस वाली जगह पे तो अगर आप ये करेंगे तो ये इट इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन फॉर यू अब भी पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन एंड आउटकम उसने आपको बताया है कि ये आप इस हवाले इस से क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा होगा नाउ जो हमारा स्टेप है द मोस्ट स्टेप रिसर्च एंड रीड मोर अबाउट योर टॉपिक क्या आपने टॉपिक का मटेरियल इकट्ठा कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है उसको रीड करना है मोर अबाउट योर टॉपिक यूज कीवर्ड्स हैव गैदर टू रिसर्च इन द कैटलॉग आर्टिकल

Remember, selecting a topic is an important and complex part of the research process. Yes. Now, the last step formulate a thesis statement. Write your topic as a thesis statement. This may be the answer to your research questions and a way to clear state the purpose of your research. What research purpose is your Thesis. और आपने अब थीसिस बनानी है तो क्या कि आपकी रिसर्च इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वो थीसिस बनाने के काम आए योर थीसिस स्टेटमेंट यूजली बी वन और टू सेंटेंट टू बी आउ सर्ट टू वन और वट यू विल इन्फॉर्म योर ऑडियंस अबाउट योर टॉपिक द डिवेलपमेंट ऑफ अ थीसिस एज्यूम जेर इज अ अफिशेंट एविडेंस टू सपोर्ट द थीसिस स्टेटमेंट अब आपने क्या अपनी ऑडियंस को उनके हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया है क्या आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है कि आप थीसिस बनाने के काबिल हैं क्या आप, इत, आपका डाटा इतना अच्छा है कि आप अब इसको थीसिस में कन्वर्ट कर लें आप फॉर्मुलेट कर लें थीसिस की स्टेटमेंट तो ये हमारा अक्सर मकसद रिसर्च का क्या था फॉर्मुलेट आ थीसिस स्टेटमेंट एंड थैंक्स अबांच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू गेट अ वेरी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर माई वीडियो and it is very benefit for the AMPL and PhD students who formulate the thesis and thanks a lot.